रेखा गुप्ता, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम मेरी वर्ल्ड फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट डे टू गेट प्रेग्नेंट। जो प्रेगनेंसी होती है वो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंडेंट होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी एवरेज ड्यूरेशन 22nd डे टू 35th डे के बीच में होती है। नॉर्मली पीरियड अगर समय से आता है तो या तो आपकी साइकिल 23-24 डेज 28 डेज की हो सकती है या 33-34 डेज की भी हो सकती है। इन सबको हम नॉर्मल वेरिएशन मानते हैं। अगला पीरियड आने से 14 डेज पहले एग रिलीज होता है, मतलब लास्ट पीरियड से नहीं, जो आपका अगला एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड का, उससे 14 दिन पहले आपका एग रिलीज होता है। उस समय पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो पाएगी। एग एक बार हमारे शरीर से रिलीज़ होने के बाद बहुत कम समय, मतलब 24 घंटे तक ही एक्टिव होता है, जबकि स्पर्म एक बार में 3 दिन तक, मे बी अप टू 7 डेज भी सर्वाइव कर सकता है। बट एवरेज स्पर्म की लाइफ करीब करीब 72 आवर्स होती है और जबकि एग की लाइफ खाली 24 घंटे की होती है। सो आप हर महीने के हर दिन पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। जो ओव्यूलेशन टाइम होता है, जब एग रिलीज़ होता है, उसी समय पर अगर शरीर में स्पर्म्स होते हैं तो उससे प्रेगनेंसी आ सकती है। कुछ क्वेश्चंस हमसे लोग पूछते हैं कि मैम पीरियड के आने के 5th डे 6th डे क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या महीना आने से 4 दिन 5 दिन पहले क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। पीरियड आने के बाद या पीरियड आने से पहले एग शरीर में नहीं होता है, इस टाइम पर प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं, ओव्यूलेशन समय से नहीं हो रहा है, तो मे बी स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन होकर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो जो बीच का समय होता है, जो बीच के 7-8 दिन होते हैं ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 3-4 दिन बाद तक के, वही पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जब पर जिस समय एग रिलीज होता है। तो पीरियड आने से पहले या पीरियड आने के बाद प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर कोई एक कपल संबंध करता है और उसके स्पर्म्स वजाइना में, सर्विक्स में लंबे समय तक रह जाते हैं, मे बी 3 दिन 4 दिन तक भी रह जाते हैं, 5 दिन भी रह सकते हैं, उससे भी जब ओव्यूलेशन होता है मे बी 4 दिन के बाद, उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ऐसे पिन पॉइंट करना बहुत गलत होगा ये कहने के लिए कि आप जिस दिन कॉन्टैक्ट करेंगे, जिस दिन एग रिलीज़ होगा उसी दिन कॉन्टैक्ट करने से प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका कॉन्टैक्ट पहले हो चुका है और स्पर्म्स एक्टिव हैं, डेड नहीं हुए हैं, तो 3-4 दिन पहले कॉन्टैक्ट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर आप अपना प्रेगनेंसी पोटेंशियल जानना चाहते हैं या ओव्यूलेशन डेट जानना चाहते हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, अपने साइकिल लेंथ को समझें, आपका एग पीरियड के किस दिन रिलीज़ हो रहा है इसके बारे में बात करें, और उस टाइम पर अल्टरनेट डे 4-5 दिन 6 दिन के लिए कॉन्टैक्ट करने की, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आप अपने साइकिल के बारे में या ओव्यूलेशन के बारे में हमसे कोई बात करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कॉमेंट कर सकते हैं, आकर क्लिनिक में हमसे बात कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।